like a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास, और आज क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन बताया गया है, प्रूव दैट। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, मींस आपको प्रूव करना है। पहला पार्ट है x की पावर i इक्वल e की पावर -2nπ, फिर इनटू में लिखा है cos log x + i sin log x, बाद में बताया गया है वेयर x ग्रेटर देन 0। ये जो कंडीशन है लास्ट में, ये किसके लिए है? ये जो आपको log x दिख रहा है इसके लिए बताई गई है, क्योंकि आपको पता है log जो x होता है ये डिफाइंड कब होता है, कब ये आंसर शीट देता है। जैसे log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010300 यही होती है। तो कहने का मतलब है ये log डिफाइंड कब होता है, कब ये आंसर शीटें बताता है। बताया गया है x जब ग्रेटर देन 0, जीरो से ग्रेटर आप वैल्यू रखते रहो, ये लॉग जो है आंसर शीटें बताता रहेगा, मीन्स डिफाइंड है तभी तो बताएगा। तो याद रखना कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो इसीलिए वो कंडीशन दी गई है, कोई यूज नहीं है उसका, फिर भी लिखा था तो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है पहला पार्ट। कहने का ये मतलब है चाहे LHS लेके चलो चाहे RHS, आपको पता है कि दो ही फार्मूले हैं एक्सरसाइज 2.2 में। जब बेसिक हमने पढ़ाया था आपको, हमने एक फार्मूला बताया था जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैपिटल एल से लॉग में, एक फार्मूला बताया था। ऐसे ही हमने दूसरा फार्मूला बताया था प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, मतलब स्मॉल एल से लॉग में एक फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला लग जाए। तो आपको दिख रहा है कि एक्स की पावर आई इस साइड फार्मूला लग जाएगा, तो आपको LHS यहाँ से ले लेना है। इसका सॉल्व देखो, LHS ले लेना है। तो x की पावर i है, अब बताइए यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लगेगा? हम आपको ट्रिक बता देते हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लिखा होगा प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब लिखा होगा तो हम उसी हिसाब से फार्मूला लगाएंगे, जब अगर लिखा ना हो तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन में n आपको दिख जाए, चाहे इस तरफ दिख जाए चाहे इस तरफ दिख जाए, अगर n दिख जाए तो जनरल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा, कैपिटल L से लॉग में फार्मूला लगेगा। तो आंसर शीट में आपको n दिख रहा है, तो इससे हमने ये पहचान लिया कि कैपिटल L से जो लॉग लिखते हैं उसका फार्मूला यहाँ पे लगेगा, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजिंग, आप लोग क्या करना लिख लेना ये, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो कैपिटल एल से आपको लिख लेना है, ई की पावर आई पहले लिखना है और कैपिटल एल से लॉग लिखना है, फिर एक्स। कौन सा फार्मूला लगाया है, ए की पावर जेड इक्वल होता है ई की पावर जेड लॉग ए, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, स्मॉल एल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक फार्मूला हमने बताया था एक्सरसाइज 2.1 में लॉग जेड इक्वल क्या होता है। यहाँ से देखिए कैपिटल एल से लॉग लिखते हैं, फिर स्मॉल एल में कन्वर्ट करते हैं 2nπi। कैपिटल एल से स्मॉल एल में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्लस करते हैं, 2nπ। तो 2.1 एक्सरसाइज में यही फार्मूला बताया था, तो यही यहाँ पे लगाना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फार्मूला साथ साथ बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की कमेंट आती है कि सर जो भी फार्मूला लगाओ तो बता दो, इसलिए यहाँ पर बता देते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अच्छे से आपको सॉल्व
कर सकते हो। तो यहाँ पर i log x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log x प्लस का 2n पाई i लगा लिया फार्मूला। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, i का इंटू कर देना है, i log x इसका इसमें करना है। तो i का i में इंटू करेंगे तो आपको पता है i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो प्लस माइनस माइनस आपको लिख लेना है 2n पाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर को ब्रेक कर देना है, पावर को तोड़ देना है। कैसे तोड़ोगे, e की पावर i log x इंटू e की पावर माइनस 2n पाई, ठीक है। इसमें लगेगा फार्मूला, e की पावर i थीटा का लगेगा, ठीक है। हम यहाँ पे बता देते हैं, यूलर फार्मूला लगेगा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा, पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो इसको ऐसे रखेंगे, e की पावर माइनस 2n पाई i, i तो है नहीं तो 2n पाई लिखो, यहाँ पे i है, फार्मूला लगाओ, ये वाला लगेगा, cos log x प्लस का i sin log x, ठीक है। तो ये आंसर शीट आ गई है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, RHS, LHS लेके चले, RHS आ गया। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग क्या करो, नोट कर लो इसे, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड पार्ट, देखो सेम टू सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डाल लेते हैं, फर्स्ट का LHS ही आपको ले लेना है, i की पावर x है, तो इसमें बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, जनरल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ये अगर दिख जाए आपको तो जनरल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगाना है, जब आपको यन ना दिखे तो प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आपको यन दिख रहा है, देखो 2n प्लस 1/2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कहने मतलब है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कैपिटल एल से लॉग। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लगा लो फार्मूला, e की पावर में ये आगे लिख लेना है x log i। यहाँ पे बता देते हैं, हमने फार्मूला लगाया है, e की पावर z इक्वल e की पावर z log a। अब देखो इसके आगे देखो, अब आपको क्या करना है, कैपिटल L से जो log लिखा है उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है स्मॉल एल से जो लॉग लिखते हैं उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। देखो लॉग आई प्लस का 2n पाई आई, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो हमने फार्मूला बताया था एक्सरसाइज 2.1 में, वो क्या फार्मूला यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे लॉग जेड इक्वल क्या होता है, लॉग आर प्लस का आई थीटा, यही होता है प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं 2.1 में। लेकिन हमने आपको बताया था अगर i की वैल्यू e की पावर में पता है तो इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, अगर i की वैल्यू e की पावर में नहीं पता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आपको पता है i की वैल्यू e की पावर में क्या है, i पाई बाई 2, तो ठीक है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो लगता है नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर e की पावर i पाई बाई 2 रख लेना है, तो log e की पावर i पाई बाई 2, ठीक है, और प्लस का 2n पाई ऐसे रखो, और i यहाँ पर और आती है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है i इक्वल e की पावर i पाई बाई 2। अब इसके इक्वल देखो e की पावर x log में पावर आगे आ जाती है तो आपको लिख देना है प्लस का 2n पाई i। अब log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एक लाइन यहाँ पे देख लो, e की पावर x i पाई y 2 इंटू 1 प्लस का 2n पाई i। अब आपको क्या करना, i कॉमन ले लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे, आपको नोट करते रहना है, यहाँ पर a टू z क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर e की पावर x अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर i कॉमन ले लें, ठीक है, i ले लो कॉमन, पहले i लिख दो यहाँ पे,
आई लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 2n प्लस 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया है, i भी ले लिया और x पाई भी ले लिया। x तो पहले से यहाँ पे था तो बाद में लिखा, तो यहाँ पे क्या मिला 2n प्लस 1 अपॉन 2। अब आपको फार्मूला लगा देना है, e की पावर i थीटा का लगेगा, क्या होता है cos थीटा प्लस का i sin थीटा होता है, यही होता है, लगा लो फार्मूला। तो cos आपको लिख देना है 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई एक्स, अब प्लस का आई साइन 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। अब आपको ब्रैकेट में ये लिख देना है ऐसे करके, अब देखो आंसर सीट आ गई या नहीं, देखो सेम टू सेम आपको दिख रही होगी, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको मैच करवाएंगे। तो यहाँ पर है cos 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई एक्स, ठीक है। लास्ट वाला एंगल देख लो 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई एक्स, लास्ट वाला भी है यहाँ पर मिल गया है। चलो ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, तो सभी स्टूडेंट क्या करें लाइक एक कर दें, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि इसमें और भी स्टूडेंट का फ़ायदा है, क्योंकि ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं और फर्स्ट पार्ट इसका देखो, यहाँ पर बताया गया है प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। साइन लॉग आई की पावर आई इक्वल माइनस वन, यहाँ पर आपको लॉग दिख रहा है तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, पहले से लॉग है, स्मॉल एल से लॉग लिखा है, तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले से यूज है इसमें, तो फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो LHS ले लो। तो LHS तो वैसे भी लेते हैं, लेकिन ये आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉग, तो फार्मूला तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट इसे लगा लो। लॉग में पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, आई आगे आ गई, लॉग आई, ठीक है। अभी हमने log i आपको बताया था, e की पावर i पाई बाई 2 की वैल्यू i होती है, तो यहाँ पे रख लेना है ऐसे करके i इंटू लॉग e की पावर i पाई बाई 2, यहाँ पे बता देते हैं e की पावर i पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, i होती है। ये सब हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में बता चुके हैं। चलो आगे देखो, साइन log में पावर आगे, तो पावर कितनी है i पाई बाई 2 आगे, इंटू में लॉग ई लिख दो, आपको पता है इसकी वैल्यू वन होती है, साइन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन इंटू वन, ठीक है। जैसे लॉग ए पे ए की वैल्यू क्या है वन, ऐसे यहाँ पर बेस ई है लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा नहीं है, तो समझ लेना है अगर लॉग में बेस ई नहीं है तो ई है, होती है लिखी नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे देख लो साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है साइन 90 की वन, तो माइनस का वन आ गई, देखो RHS। तो यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था कि जो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नहीं लगेगा और ना ही प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से लॉग दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देख लेना है आपको, नहीं तो हर जगह आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह नहीं पड़ती है, जहाँ पे फार्मूला लगेगा वहीं पे लगाएंगे। अब इसके आगे देखिए आप लोग, इसको हटा देते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे दो पार्ट थे ना, पहला पार्ट हो ही गया है, दूसरा पार्ट देखिए, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर आई इक्वल ई की पावर थीटा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, इतना लाना है, तो कहने मतलब है आपको LHS ले लेना है, क्योंकि इस तरफ क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये तो बात की बात है, पहले क्या करो LHS लिख लो, तो LHS में आपको लिख लेना है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर आई, ठीक है। अब देखो आंसर शीट में देखो, अगर n है आंसर शीट में तो जनरल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा, कैपिटल L से जो लॉग लिखते हैं उसका फार्मूला यूज होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे n, तो फार्मूला कौन सा लगेगा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ठीक है, यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, ये तो हो ही गया है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको पता है फार्मूला, लगा लो e की पावर i कैपिटल L से log साइन थीटा प्लस i cos थीटा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाया है, a की पावर z इक्वल होता है e की पावर z इंटू log a, ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। अब लगा लो इसमें कैपिटल L से क्या करेंगे, स्मॉल L में कन्वर्ट करेंगे तो i स्मॉल L से log लिख लो साइन थीटा प्लस का आई कॉस थीटा, और इसमें क्या होता है 2n पाई आई और प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का फार्मूला लगेगा। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पर लिखा होता था लॉग के बाद में, तो e की पावर में हमें मिल जाती थी वैल्यू, तो हम फार्मूला नहीं लगाते थे, लेकिन अब आपको फार्मूला लगा लेना है, ये वाला लॉग आर प्लस का आई थीटा। ये फार्मूला तभी लगता है जब लॉग के बाद में जो लिखा है, लॉग के बाद में जो लिखा है e की पावर में अगर वैल्यू नहीं पता है, तब आपको फार्मूला लगाना है प्रिंसिपल वैल्यू का। जैसे ये जो फार्मूला यहाँ पे लगाया है जनरल वैल्यू का है, ऐसे इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का फार्मूला है, तो यहाँ पर तो लगेगा। तो देखो यहाँ पर देखो e की पावर आई, तो डायरेक्ट आपको कौन सा लगा लेना है, हम आपको इसमें भी बता देते हैं, ये सब एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। ये लगा लो log x प्लस आई वाई बराबर क्या होता है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स y अपॉन x, यही फार्मूला होता है। यही लगा लो यहाँ पर, ये x है ये y है, तो 1/2 log x स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब वहाँ पे देखो y स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस का आई टेन इनवर्स y अपॉन x, मतलब y है cos थीटा x है sin थीटा। उस तरफ देखो फार्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, अब प्लस का कितना आएगा 2n पाई आई, ये ज़रूर आप लोग लिखो। इसके आगे देखो e की पावर i 1/2 log sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, आई टेन इनवर्स यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कितना मिलेगा कॉट थीटा, और प्लस का 2n पाई आई। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे सॉल्व करवाएंगे, तो ये आप लोग नोट कर लो इस तरफ, इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, अब देखो इसके इक्वल e की पावर i यहाँ पे क्या है 1/2 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, आपको यहाँ पे रख देना है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो रख दी प्लस i tan इनवर्स, यहाँ पे देखो cot है, अगर इसको tan बना लें तो tan से tan इनवर्स चला जाएगा, ये tan इनवर्स है ना, तो आपको cot को tan बनाना है, तो आपको पता है कैसे बनता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, प्लस का 2n पाई आई। अब इसके आगे देखो e की पावर i ये तो 0 हो गया, प्लस का i यहाँ पे देखो 10 से 10 इनवर्स चला गया, तो कितना मिलेगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा प्लस का 2n पाई i। अब i का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, i का इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो देखो e की पावर i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, डायरेक्ट आपको रख लेना है, यहाँ पर भी माइनस 1 आपको रख लेना है आई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखो, इसके सामने ही लिखना है, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू आपने माइनस 1 यूज की है तो इसके सामने ही बता देना है। अब देखो आंसर शीट मैच करेंगे, पहले क्या लिखना है थीटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद 2n पाई वाला टर्म लिखना है ये वाला, फिर उसके बाद लास्ट में माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई RHS, ये भी क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री देखो,
तो यहाँ पर बताया गया सो दैट माइनस आई की पावर माइनस आई ई की पावर 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, LHS ले लो इसका भी, माइनस आई की पावर माइनस आई। अब ये बता दो फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होगा कि जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होगा, बताइए। तो यहाँ पर आपको आंसर शीट में n दिख रहा है, तो आपको पता है हम जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करेंगे, कैपिटल एल से लॉग में फार्मूला जो होता है वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर में माइनस आई, कैपिटल एल से लॉग लिखना है फिर माइनस आई। चलो अब इस कैपिटल एल जो है स्मॉल एल में बदलो, तो लॉग माइनस का आई प्लस का 2n पाई आई। ठीक है, e की पावर माइनस का आई, यहाँ पर आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे ना प्रिंसिपल वैल्यू का, लॉग जेड इक्वल क्या होता है, लॉग आर प्लस का आई थीटा, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। अभी क्या था ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कहने मतलब है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा जो था ना वहाँ पर यूज़ किया था। हमने बताया था ये फार्मूला कब यूज होता है, जब लॉग के बाद में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है ई की पावर में ना पता हो, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अगर माइनस आई की वैल्यू पता है ई की पावर में तो हम वो फार्मूला यूज नहीं करते हैं। तो हमें पता है ना ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। ये एक्सरसाइज 2.1 का जब हमने बेसिक पढ़ाया था वहाँ पर बताया था। अब आगे देखो, प्लस का 2n पाई आई। तो नेक्स्ट लाइन देखो आप लोग, पावर आगे आ जाती है लॉग में, ठीक है, लॉग ई प्लस का 2n पाई आई। अब इसकी वैल्यू 1 रख दो और i का अगर इंटू कर दो तो इंटू कर दो, तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा पाई बाई 2 इंटू लॉग 1 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस प्लस माइनस होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2n पाई। ठीक है, अब देखो आंसर शीट में हमें क्या चाहिए, 4n माइनस का 1। ठीक है, मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर शीट। देखो इसके आगे यहाँ पे देखो एक कॉल ई की पावर, अगर हम यहाँ पे LCM ले लें 2, तो कितना मिलेगा 4n माइनस 1, और LCM जो लिया है वो पाई के अपॉन लिख दो पाई बाई 2, तो ये आंसर शीट आ गई RHS। तो तीसरा भी हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 4, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग क्या करो नोट कर लो इसे। इसे भी हटा देते हैं क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन 4 देखिए, तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पूछ ली गई हैं। तो पहला और दूसरा सेम टू सेम है, पहला देख लो जैसा पहला सॉल्व होगा ना वैसे सेकेंड होगा। तो पहला यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं, यहाँ पर बताया है लॉग कैपिटल एल से बताया है। ठीक है, यहाँ पे पहले से बता दिया गया कैपिटल एल से लॉग लिखा है, तो फार्मूला जो है यूज़ करेंगे कौन सा है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, पहले इसे क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, लॉग माइनस 3 ऊपर कर लो और लॉग 2 नीचे कर लो, क्योंकि ये हम बता चुके हैं, हमने बताया था कि चाहे स्मॉल एल से लॉग लिखा हो चाहे कैपिटल एल से लिखा हो, तो ये फार्मूला होता है लॉग ए बेस बी का। कैपिटल एल में है तो कैपिटल एल में देख लो, लॉग ए ऊपर और लॉग बी नीचे। एक्सरसाइज 2.2 का जब बेसिक पढ़ाया था उसमें ये हमने आपको बताए थे, लास्ट में बताए थे तो आपको याद होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब स्मॉल एल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है 2.1 एक्सरसाइज में जनरल वैल्यू जब पूछी जाती थी तो हम कैपिटल एल से लॉग में एक फार्मूला बताते थे, लॉग जेड, यहाँ पे देख लो आप लोग बता रहे हैं लॉग जेड इक्वल लॉग जेड प्लस का 2n पाई आई, ये लगा लो। लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी लगेगा ऊपर भी लगेगा, तो
तो ऊपर 2n पाई आई कर लेना और नीचे 2m पाई आई कर लेना, ठीक है। देखो लॉग माइनस का 3 प्लस का 2n पाई आई, अब नीचे देखो लॉग 2 प्लस 2m, m कर लेना नीचे, ठीक है, क्योंकि ऊपर n और नीचे m, अगर एक साथ दो फार्मूले लगे तो आपको n और m लेना है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको आती है, जैसे लॉग 3 को ऐसे रखें लेकिन e की पावर आई पाई, e की पावर आई पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। तो यहाँ पर हमने यूज कर ली, क्योंकि हमें फार्मूला नहीं लगाना है, कौन सा, लॉग जेड इक्वल लॉग आर प्लस का आई थीटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें आती है, ठीक है, e की पावर में। अब इसको ऐसे लिखो, नीचे देख लो क्या है, लॉग 2 प्लस का 2m पाई आई, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसमें लगा लो फार्मूला, लॉग m इंटू n का लग जाएगा, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, ऊपर देख लो, इसके आगे यहाँ से देखो लॉग 3 प्लस लॉग e की पावर i पाई प्लस का 2n पाई आई, नीचे ऐसे रखो जो लिखा है ना वही लिखो, लॉग 2 प्लस का 2m पाई आई। अब इसके आगे आप लोग देखो, ये पावर आगे आ जाएगी तो लॉग 3 प्लस का ये पावर आगे आ गई, तो i पाई लॉग e, इसकी वैल्यू पता है आपको, वन होती है, ठीक है, 2n पाई आई। अब इसको हटा देते हैं, अपान में जो है उसे तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉग 2 प्लस का 2m पाई आई, ठीक है, आगे देखते रहो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। तो चाहो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, बस हटाओ इसे, कॉमन ले लो, तो लॉग 3 प्लस, तो क्या कॉमन मिला, 2n प्लस 1, चाहो तो i पहले लिख लो, क्योंकि i पहले लिख लिया और पाई बाद में लिख लिया, 2n यहाँ से बचा, 1 प्लस का यहाँ से बचा, ठीक है। अपान में देखो लॉग 2 प्लस का 2m पाई आई, अब ये आंसर शीट आई, ये बताओ ये आंसर शीट जो आई है सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है या नहीं, अभी नहीं आई है, क्योंकि आपने क्लास 11th में, 11th की बात कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं आपने पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चैप्टर है क्लास 11th में, सम्मिश्र संख्याएं, तो सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता था, जब भी आप करते थे संयुग्मी गुणा करते थे, तो संयुग्मी गुणा इसलिए करते थे क्योंकि नीचे i रहता नहीं है, इस पार्ट में क्या होता है, नीचे i रहता नहीं है, जब भी आप देखना है क्लास 11th में ये चैप्टर, सारी आंसर शीट देख लेना आप लोग, नीचे आई नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं जब भी इस चैप्टर की बात करें तो इसका मतलब है कि नीचे आई रहता नहीं है, तो नीचे आई रहता नहीं है तो यहाँ पर तो है, तो आपको क्या कर देना है, संयुग्मी गुणा करना है, ठीक है। इसके आगे देखो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, संयुग्मी गुणा करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे आई रहता नहीं है, याद रखना जो हमने आपको क्लास 11th की जो है बात बताई है, 2n प्लस का 1 इंटू पाई। अब पावन में देखो लॉग 2 प्लस का 2m पाई आए, कंजुगेट इंटू कर लो, नीचे वाला देख के कर लो, जहाँ पे आई है माइनस कर लो, लॉग 2 माइनस का 2m पाई आए, यहाँ पे लिख दो कंजुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो जब इंटू करेंगे तो रियल पार्ट अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है, तो लॉग 3 का इसमें जब इंटू करेंगे, लॉग 3 इंटू लॉग 2, ठीक है, अब इसका इसमें इंटू कर दो, देखो माइनस पहले ही से प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन आई का आई में इंटू करेंगे आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो 2m 2n प्लस का 1 इंटू
पाई स्क्वायर। देख लो इसका 2m पहले लिख दिया, 2n प्लस 1 बाद में लिख दिया, और पाई का पाई इंटू गया पाई स्क्वायर, ये क्या बन गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखना है, देखो आई कॉमन ले लो, इसका इसमें इंटू करो, या पहले इसका इसमें इंटू करो, क्योंकि प्लस का टर्म पहले लिखेंगे और माइनस का टर्म बाद में, तो इसका इसमें इंटू कर दो। तो यहाँ पे देखो 2n प्लस का 1 इंटू पाई लॉग 2, अब आपको दिख रहा होगा जब इसका इसमें इंटू गया तो आई कॉमन ले लिया 2n प्लस 1 इंटू पाई लॉग 2। अब देखो अब इसका इसमें इंटू करो तो माइनस का 2m पाई लॉग 3, ठीक है, इसका इसमें इंटू किया तो आई तो कॉमन मिल ही गया, 2m पाई लिख दिया और लॉग 3 लिख दिया। अब अपान में देखो, अपान में लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन अगर i वाला सिस्टम है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा log 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2m पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दो, या 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख दो, 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख दो, ये आंसर शीट आ गई, आप लोग नोट कर लो इसे, ठीक है। ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं जनरल वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या है जनरल वैल्यू निकली है। अब इसकी क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसको हम हटा देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू देखो, क्योंकि हर एक पार्ट में इसमें दो आंसर सीटें निकालना है, एक तो निकालना है जनरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू, लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको हेडिंग डाल लेना है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, स्मॉल एल से लेके चलना है, इक्वल वही लगा लो पहले लॉग माइनस का 3 अपॉन लॉग 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसलिए लगा लिया, यहाँ पे आ जाओ लॉग 3 इंटू ई की पावर आई आई पाई अपॉन लॉग 2, इसमें प्लस नहीं होता है 2n पाई आई, जब जनरल वैल्यू निकालते हैं तभी प्लस होता है 2n पाई आई। चलो लॉग m प्लस लॉग n लगा दो, लॉग m प्लस लॉग n अपॉन में क्या आएगा लॉग 2 आएगा, आई पाई आगे कर लो, यहाँ पे देख लो लॉग 3 प्लस का आई पाई इंटू में लॉग e अपॉन, देखो कितना आएगा यहाँ पे अपॉन में, देखो कितना आएगा लॉग 2 आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, रख लो लॉग 3 प्लस का आई पाई इंटू 1 अपॉन लॉग 2, एक लाइन और लिख लो लॉग 3 प्लस का आई पाई अपॉन लॉग 2। चलो इसे नोट कर लो, अब सेकेंड जो है इसका पार्ट सॉल्व करवाएंगे, इसे हटा देते हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकली है, अब सेकेंड जो पार्ट है उसमें भी आपको जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे देखिए सेकेंड इसका पार्ट, यहाँ पे चेंज कर देते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डलवा देते हैं, क्या डालो जनरल वैल्यू, ठीक है। चलो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल नहीं कैपिटल एल से लॉग लिखना है, इक्वल पहले क्या करो ऊपर लॉग नीचे लॉग, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है स्मॉल एल एल में कन्वर्ट कर देना है, ऊपर 2n पाई आई प्लस कर लो, सेम टू सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है लॉग 4 प्लस का 2m पाई आई। अब इसके आगे देखो आप लोग, यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है माइनस 1 e की पावर आई पाई, ठीक है, प्लस का 2n पाई आई, अब पावर में देख लो लॉग 4 को ऐसे लिखेंगे, प्लस का 2m पाई भी ऐसे ही लिखेंगे, इंटू आई भी ऐसे ही लिखेंगे, इसमें लगा लो लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m प्लस का लॉग n प्लस का 2m, नहीं 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 2n पाई आई अपॉन लॉग 4 प्लस का 2m पाई आई, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर रफ कर देते हैं, लास्ट लाइन आपको देखना है और उसी से आगे लिखना है, लॉग 2 क्या आएगा प्लस का आई पाई आएगा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट रख लिया क्योंकि लॉग में पावर आगे आ जाती है, और लॉग ई की वैल्यू क्या रख दी, बन रख दी प्लस का 2n पाई आई, अपान में जो है उसको लिखते रहो क्या है लॉग 4 प्लस का 2m पाई आई।
अब यहाँ से कॉमन ले लो, लॉग टू प्लस का टू एन प्लस का वन पाई आई आगे लिख दो, ठीक है, अपॉन में लॉग फोर प्लस का टू एम पाई आई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि नीचे आई रहता नहीं है, तो इसीलिए कंजुगेट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सही लिखा है 2n, ठीक है, प्लस 1। अब आपको कंजुगेट इनटू करना है, लॉग 4 प्लस का 2m पाई आई, अगर प्लस है तो माइनस का कर लो, लॉग 4 माइनस का 2m पाई आई, यहाँ पे लिख दो कंजुगेट मल्टीप्लाई। क्या लिख दो, कंजुगेट मल्टीप्लाई, मज़ा आ ही रहा होगा क्योंकि आपको हम ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो लाइक आइक कर दिया करो वीडियो को, देखते तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमें पढ़ाते भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, इसके आगे देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। देखो कैसे डायरेक्ट यहाँ पर हम सेपरेट करवा देते हैं, लॉग टू का इसमें इंटू कर लो, ये क्या है, ये मिल गया रियल पार्ट, इसका इसमें इंटू कर लो, प्लस माइनस माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू एम ऐसे लिखो, फिर इंटू टू एन प्लस का वन इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है, देख लो टू एम लिख दिया, फिर टू एन प्लस वन लिख दिया, पाई का पाई में इंटू गया पाई स्क्वायर अपॉन, अभी नहीं, ये तो रियल पार्ट निकला है। अब आपको क्या करना, आई वाला और निकालना है, तो आई वाला देख लो भाई, इसका इसमें इंटू करोगे तो पहले क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, तो इसका इसमें इंटू करो तो प्लस का मिल जाएगा, पहले टू एन प्लस का वन इंटू पाई लॉग फोर, ठीक है, इसका इसमें इंटू किया, आई कॉमन ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, तो आई कॉमन मिल ही गया है, तो क्या लिखना है, माइनस का टू एम पाई, फिर इसका इसमें इंटू किया लॉग टू और आएगा, ठीक है, अपान में कितना लिखना है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, लॉग फोर का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस का फोर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकल आई है जनरल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू देखो, हटा दें इसे, नोट करते रहा करो। अब आपको हेडिंग डाल लेना है प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हटा देते हैं, अब आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे डलवा देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिख लेना है स्मॉल एल से लॉग, इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल, लॉग माइनस का टू अपॉन लॉग फोर, चलो भाई इसकी वैल्यू तो आती है ई की पावर आई पाई, ठीक है, माइनस वन अपॉन लॉग फोर इक्वल लॉग, लगा लो लॉग एम प्लस लॉग एन अपॉन लॉग फोर। अब इसके आगे देखो आप लोग, इसे तो ऐसे रखेंगे ना लॉग टू, ठीक है, यहाँ पे देखो आई पाई आगे कर लो, तो आई पाई आगे कर लेंगे और लॉग ई की वैल्यू वन, ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट रख ली है, अपॉन में क्या आएगा, लॉग फोर आएगा, तो एक लाइन और लिख लो, लॉग टू प्लस का आई पाई अपॉन लॉग फोर, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन फोर भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अब क्या करो, नोट कर लो पहले से, ये टिक लगा देते हैं, नोट करो जल्दी नोट करो। तो आप लोग क्वेश्चन फाइव देखिए, यहाँ पर बताया गया है इफ़ ए की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल एक्स प्लस आई वाई की होल पावर पी प्लस आई क्यू, आगे लिखा है प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली बीइंग कंसीडर्ड प्रूव दैट, दो आंसर शीट प्रूव करना है, अल्फा इक्वल वन अपॉइंट टू इंटू पी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए माइनस का क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, पहली आंसर शीट प्रूव करना है इतनी, और सेकेंड आंसर शीट देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए फिर इक्वल टू इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दो आंसर शीट है यहाँ पे प्रूव करना है। अब आपको लेके क्या चलना है, देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना इक्वल इतना, और यहाँ पर ये भी लिखा है इफ की सिचुएशन तो आपको पता ही है, क्या पता है, इसका मतलब गिवन दैट होता है, ठीक है, इसको लेके चलना है, और फार्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो स्मॉल एल से जो लॉग में फार्मूला बताया गया था वही आपको यूज करना है।
तो यहाँ पर आपको गिवन दैट सबसे पहले लिख लेना है। तो सॉल्व क्वेश्चन 5, ठीक है, क्या लिखना है सबसे पहले, गिवन दैट, तो ए की पावर में अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल एक्स प्लस का आई वाई की होल पावर पी प्लस आई क्यू। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का लगाना है। तो बता देते हैं, ए की पावर जेड इक्वल ई की पावर जेड लॉग ए, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो ई की पावर में अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है, इंटू लॉग ए, यहाँ पर भी लगा लो, ई की पावर पी प्लस आई क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ई की पावर और यहाँ पर भी ई की पावर, तो आपको पता है जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना हो जाती है, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। तो जैसे ए की पावर एम है और ए की पावर एक्स है, तो एम इक्वल कितना लिख देते हैं, एम इक्वल एक्स, ठीक है, जब आधार सेम होता है तो इतना ऐसे लिखा जाता है। चलो यहाँ पर ई हटा दो, क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे अगर चाहो तो लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, पावर के पावर इक्वल कर लेंगे क्योंकि बेस समान है। तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू लॉग ए, अब यहाँ पे आ जाओ, पी प्लस आई क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस का आई वाई। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगा देना है लॉग एक्स प्लस आई वाई का, एक्सरसाइज 2.1 में बताया था, बेसिक जब पढ़ाया था ना एक्सरसाइज 2.1 का, वहाँ पर ये फार्मूला बताया था। चलो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। पहले तो इसे लिखो, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू लॉग ए इक्वल पी प्लस आई क्यू, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, आपको पता है कितना होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही होता है फार्मूला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। देखो कैसे करोगे, पहले आपको लॉग ए का इंटू कर लेना है, अल्फ़ा इंटू लॉग ए प्लस का आई बीटा इंटू लॉग ए इक्वल में देखो पी का जब हम इंटू करेंगे, ठीक है, तो रियल पार्ट मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, रियल पार्ट पी अपॉन टू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसके बाद अब आपको ऐसा टर्म चाहिए जिसमें आई ना हो, तो पी का इसमें इंटू किया तो रियल पार्ट मिल गया, क्यू का इसमें करो तो रियल पार्ट मिल जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख लो, -1, इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्यू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ये हमें रियल पार्ट मिल गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखो, अगर हम इसका इसमें इंटू कर दें तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, तो क्यू अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद में आपको यहाँ से इस यहाँ से मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट, पी का इंटू कर दो प्लस का पी टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको हम रफ कर देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आपको आगे देखना है, इसको हटा देते हैं, आपको लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको रियल पार्ट देखना है, अल्फ़ा इंटू लॉग ए इक्वल में पी अपॉन टू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या है, क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसे इक्वेशन फाइव डाल दो। अब इमेजिनरी पार्ट देखो, यहाँ पर देखो आई यहाँ पे चला जाएगा ना, बीटा इंटू लॉग ए आएगा इक्वल में, यहाँ पे देख लो क्यू अपॉन टू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का पी टेन इनवर्स बाई अपॉन एस, अब इसे इक्वेशन क्या डाल दो सेकेंड। अब देखो आंसर सीटें जो प्रूव करना है इन दो इक्वेशन से हो जाएंगे, अगर अल्फ़ा के इक्वल प्रूव करना है तो इक्वेशन फर्स्ट लेके चलो, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से पहली आंसर शीट प्रूफ हो जाएगी। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा इंटू लॉग ए इक्वल पी अपॉन टू इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, इस लॉग का क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो पी अपॉन टू लॉग इसके नीचे लिखेंगे, देखो पहले इसके नीचे लिखेंगे फिर इसके, तभी तो आंसर शीट आएगी, अपॉन में लॉग ए, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अपॉन में लॉग
ए, ठीक है। जैसे हम अपान में लिखते पूरे के, तो हमने क्या कर दिया, एलसीएम वापस दे दिया, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसीलिए इसके बटे लिख दिया लॉग ए और इसके बटे लिख दिया। अब आपको पता है ये फार्मूला होता है, देखो बता देते हैं। जैसे लॉग ए बेस बी क्या होता है, लॉग ए ऊपर लॉग बी नीचे, यहाँ पर लग जाएगा। देखो लगा लो, हम आपको बता देते हैं। जैसे पी अपान टू आपको लिखना है, यहाँ पर देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बेस ए, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। इसे ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है बेस ई है, तो ई ऊपर चली जाएगी, ए नीचे आ जाएगा। देखो क्यू टेन इनवर्स, ये फार्मूले हम लिखा चुके हैं, कहाँ लिखाए थे, जब एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक पढ़ाया था ना, वहाँ पर हमने लास्ट में फार्मूले लिखा दिए थे। तो लॉग जब इसे ऊपर लेके जाओगे, ई ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो अल्फ़ा के इक्वल आंसर शीट आगे देखो, मैच कर लो भाई, पी अपॉन टू ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए माइनस का क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग ए मीन्स लॉग ई बेस ए, ठीक है, ये हो गए। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब आपको क्या करना है, हाँ सेकेंड पार्ट जो है प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट के लिए इसके आगे आपको क्या लिखना है, फ्रेम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको इसके आगे ही लिखना जो रफ कर दिया ना, उसके आगे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे करके लिख देना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेन इनवर्स तो चाहिए नहीं, तो इन दोनों में टेन इनवर्स दिख रहा है, तो टेन इनवर्स कैंसिल कर दो, तो आंसर शीट ये मिल जाएगी। तो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर और सेकंड में हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्यू है तो पी का इंटू कर लो, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे पी है तो क्यू का इंटू कर लो, तो पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे। एडिंग से क्या होता है, साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस है प्लस रहेगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, पी का इसमें इंटू करेंगे तो अल्फ़ा पी आएगा, और क्यू का इसमें इंटू करेंगे तो बीटा क्यू आएगा, और हमने कामन क्या ले लिया, लॉग ए, ठीक है, इन दो टर्म में क्या ले लिया, कामन लॉग ए ले लिया। अब इस तरफ देखो, इसका इसमें इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा, मिलेगा तो वन अपॉन टू पी स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करो तो वन अपॉन टू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉन टू कामन ले लो, या लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामन ले लो, और वन अपॉन टू भी ले लो, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन टू कामन लिया और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कामन लिया, यहाँ पे देखो अल्फ़ा पी प्लस का बीटा क्यू इंटू लॉग ए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए बनाना है, बेस ए बनाना है, इस लॉग को इसके नीचे दे दो, तो अल्फ़ा पी और टू का इधर इंटू कर दो, क्योंकि हमें चाहिए टू इंटू अल्फ़ा पी प्लस का बीटा क्यू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अल्फ़ा पी इंटू अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसके नीचे क्या लिख दो, लॉग ए लिख दो, ये नीचे आ जाएगा। देखो टू इंटू अल्फ़ा पी प्लस का बीटा क्यू अपॉन, इसको नीचे भेजो तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल, इसे एक लॉग बना लो, दो लॉग हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो तो एक लॉग बन जाता है, कैसे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाला ए है बेस बन जाएगा, यही तो आंसर शीट लाना है। केवल क्या करना है, इसको इस तरफ लिखो, इसको उस तरफ लिखो, तो ये सेकंड जो है पार्ट प्रूफ हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगी, इसको हटा देते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगी। तो देखो इसके आगे क्या लिखना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बेस ए इक्वल 2 इंटू अल्फ़ा पी प्लस का बीटा क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, देखो आंसर शीट देख लो, यही आ रही, ठीक है, यही आ रही। इसको हटा देते हैं, आगे देखो, ये हो गया है प्रूफ। अब सिक्स क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सिक्स वाले में बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा की होल पावर माइनस आई, ठीक है, जनरल वैल्यू पूछी गई है, तो ठीक है जनरल वैल्यू के लिए फार्मूला कैपिटल एल में लॉग लिखेंगे। तो इसका सॉल्व देखो, क्वेश्चन सिक्स, ठीक है, चलो इसे लिख लो 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा की होल पावर माइनस का है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है
हमें जनरल वैल्यू, तो कैपिटल एल से लॉग आपको लिखना है। कैसे? डायरेक्ट लिख लो ई की पावर में ये आई पहले लिख लो, फिर कैपिटल एल से लॉग लिखो वन प्लस का आई टेन अल्फा। यहाँ पे फार्मूला हमने कौन सा लगाया है, ए की पावर जेड इक्वल ई की पावर जेड लॉग कैपिटल एल में लिखना है भाई, क्योंकि यहाँ पे जनरल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्मॉल एल चेंज करो, कैपिटल एल से स्मॉल एल में चेंज करो। ठीक है, और प्लस का क्या आएगा, टू एन पाई आई, यही आएगा ना। ठीक है, ई की पावर माइनस आई। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला, लॉग एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला लगेगा, वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वही लगा लो। तो वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन प्लस का वाई स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मतलब टेन अल्फा अपॉन वन, और प्लस का कितना है, टू एन पाई आई। ये तो ऐसे लिखो, आगे देखो ई की पावर माइनस आई, वन अपॉन टू लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस आई टेन से टेन, टेन से टेन इनवर्स चला गया आई अल्फा बचेगा, टू एन पाई आई। आपको पता है ये इंटर में आपने सीखा था मुख्य मान निकालना, वैसे ही आपको यहाँ पे सीख लेना है। यहाँ पे आ जाओ, पावर आ गया कर लो, तो ई की पावर माइनस आई वन अपॉन टू इंटू टू लॉग सेक अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लो, टू एन, टू एन कॉमन मिल गया, टू एन पाई। ठीक है, और प्लस का अल्फा, समझ में आ रहा है ये, हमने क्या किया, आई जो है आगे लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टू एन पाई यहाँ पे लिख दिया और प्लस का अल्फा। अब आगे देखो, टू से टू कैंसिल हो गया, एक लाइन यहीं पे देख लो, आई का इंटू कर दो माइनस का आई लॉग सेक अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, आई का आई में इंटू करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस, प्लस का आएगा टू एन पाई प्लस का अल्फा। ठीक है, अब ऐसा करो आप लोग, क्या करो, पावर ब्रेक कर लो, इसे हटा देते हैं, हमसे जनरल वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, थोड़ा और देखो इसके आगे क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर पावर ब्रेक कर लेंगे, ई की पावर 2n पाई प्लस का अल्फा और इंटू ई की पावर माइनस का आई लॉग सेक अल्फा। ठीक है, चाहो तो फार्मूला लगा लो, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ई की पावर माइनस का आई थीटा का लग जाएगा, लगेगा। ठीक है, लगा लो ई की पावर 2n पाई प्लस का अल्फा, इसे ऐसे रहने दो, यहाँ पे लगा लो कॉस लॉग सेक अल्फा। ठीक है, और माइनस का आई साइन लॉग सेक अल्फा, ये आंसर शीट आ गई, क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी गई थी, जनरल वैल्यू। ठीक है, ये नोट कर लेना, हो गया। आगे देखो इसके, क्वेश्चन सिक्स हो गया ना, क्वेश्चन सेवन देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। इसको हम टिक लगा देते हैं, सेवन में बताया इफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, आगे लिखा इज होली रियल प्रूफ दैट इतना इक्वल इतना, प्रूफ करना, और यहाँ पर ये भी बता दिया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें रियल में जो है लॉग का फार्मूला यूज करेंगे इसमें, और यहाँ पर ये भी बोला होली रियल, इसका मतलब है इसकी आंसर शीट में इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये बाद में प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेवन देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस आई वी की होल पावर क्या करना है, सी प्लस आई डी। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, तो लगा लो फार्मूला ई की पावर में सी प्लस आई डी, और स्मॉल एल में लॉग लिखना है ए प्लस आई वी। ठीक है, यहाँ पर आपको सी प्लस आई डी ऐसे लिखना है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, फार्मूला लगाया ए की पावर जेड इक्वल ई की पावर जेड लॉग ए, यही होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। यहाँ पे लगा लो फार्मूला, वन अपॉन टू लॉग ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे लॉग एक्स प्लस आई वाई में याद था, वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ऐसे ही ए प्लस आई वी में याद होना चाहिए। ठीक है, अब रियल पार्ट अलग सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग सेपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम सी का इसमें इंटू कर दें तो वन अपॉन टू सी इंटू लॉग
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या मिल गया, रियल पार्ट मिल गया हमें। एक और टर्म मिलेगा इसका, इसमें इंटू कर दो, माइनस का डी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो रियल पार्ट मिल गया और प्लस का आई। अब आपको इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, अगर हम आई का इसमें मतलब इस वाला ही का इंटू कर दें तो आई कॉमन मिल जाएगा, कितना मिलेगा, वन अपॉन टू इंटू डी लॉग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक और टर्म देखना है आई वाला, ठीक है, इसका इसमें इंटू कर दूँ, सी टेन इनवर्स बी अपॉन मिलेगा, प्लस का सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि ए प्लस आई बी की होल पावर सी प्लस आई डी क्या है, होली रियल है, तो होली रियल है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे लिख लो गिवन, गिवन क्या बोला है, ए प्लस आई बी की होल पावर सी प्लस आई डी इज होली रियल, होल होल से होली बना है, किससे बना है, होल से होली बना है, इसका मतलब पूरा ये टर्म क्या होगा, रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको जीरो कर देना है। देन होली रियल है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। चलो यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, वन अपॉन टू, यहाँ से देखो यही तो है इमेजिनरी पार्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए इक्वल क्या है, जीरो। यहाँ पे टेन इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए इक्वल में माइनस वन अपॉन टू डी लॉग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब टेन इनवर्स बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, सी नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू सी, ठीक है, और चाहो तो डी ऊपर कर लो, और लॉग इनटू में लॉग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पे डालना है, यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, हाँ इतना हम रफ करेंगे केवल, ठीक है। आगे देखिए किसके इक्वल चल रहा था, ए प्लस आई बी की होल पावर सी प्लस आई डी के, ठीक है, इक्वल देखो आई डी है, आई डी देख लो, ए प्लस आई बी की होल पावर सी प्लस आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे देखो, ई की पावर में वन अपॉन टू इंटू सी लॉग ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का डी, अब टेन इनवर्स बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से रखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डी डबल मिला ना, डी स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है, लॉग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया था, जीरो हो गया, तो आई जीरो कर लो। अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, अब आंसर सीट मैच करना है और कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, केवल और केवल आंसर सीट मैच करना है। देखो आगे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, आई की पावर वन अपॉन टू सी, ठीक है, प्लस का डी स्क्वायर अपॉन टू सी, कॉमन ले लो, लॉग ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। अब आगे देखो, इसके हमें बेस में नहीं चाहिए लॉग, यहाँ पे लॉग है नहीं, हट जाएगा लॉग, देखो कैसे हटेगा, वन अपॉन टू कॉमन ले लो, ठीक है, और सी एलसीएम ले लो, तो सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर मैच कर लो, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू सी है, ठीक है, लॉग ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। अब इसे ऊपर दे दो पावर, जैसे हम लॉग में आगे लाते हैं ऐसे ही वापस दे दो, तो ई की पावर में लॉग ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, हाँ, और क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। अब आपको पता है इतना क्या है, हट जाता है, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर की होल पावर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू सी, ये किसके इक्वल चल रहा था, ए प्लस आई बी की होल पावर सी प्लस आई डी, देखो आंसर शीट देखो, यही लाना थी, ठीक है। आगे ये भी हो गया, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन एट देखो, इफ़ द प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली आर कंसीडर्ड सो दैट इतना इज होली रियल, फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर होली रियल बताया गया और आंसर शीट पूछी गई है, पहले इसे नोट कर लो फिर बता रहे हैं, हटा दें इसे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन कौन सा है, हाँ एट, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं,
सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पर ये लिख लेना क्योंकि इसी में तो फार्मूला लगेगा। और क्वेश्चन में लिखा भी है प्रिंसिपल वैल्यू लिखा है, तो इस्तेमाल एल से लॉग में फार्मूला बताया वही लगेगा। तो ए प्लस आई ए, ठीक है, टेन अल्फा मतलब टेन थीटा है भाई, जो भी है वही लिखो। होल पावर कितनी है, लॉग ए सेक थीटा और माइनस का आई थीटा, ठीक है। लगा लो फार्मूला भाई, लगा लो, ई की पावर में लिखो। तो ई की पावर में इसे पहले लिखो लॉग ए सेक थीटा माइनस का आई थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, लॉग के बाद में क्या लिखना है, ये वाला बेस ए प्लस आई ए टेन थीटा, ठीक है। ये हमने फार्मूला लगाया है, यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही गया ना। देखो यहाँ पे हमने क्या फार्मूला लगाया है, ए की पावर जेड इक्वल ए की पावर स्मॉल एल से लॉग लिखना है, जेड आगे ए बाद में, ठीक है। ये लगाए फार्मूला देख लो, अब क्या करना है, इसका फार्मूला लगा लो। कौन सा लगाना है, लॉग एक्स प्लस आई वाई का लगाना है। क्या होता है फार्मूला, वन अपॉइंट टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही होता है, लगा लो यहाँ पे। तो पहले ई की पावर लॉग ए सेक थीटा ऐसे लिखो माइनस का आई थीटा ऐसे लिखो, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉइंट टू लॉग, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब ए टेन थीटा अपॉन ए, ये फार्मूला हमने लगा लिया। अब इसको भी हटा देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है यार, ये हो गए ना सारे हो गए। तो आगे देखिए, यहाँ पर ई की पावर में लॉग ए सेक थीटा माइनस का आई थीटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत फार्मूला बनेगा, देखो लॉग ए स्क्वायर कामन ले लो तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर ए स्क्वायर यहाँ पे कामन ले लें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, आई ए से ए कट गया, टेन से टेन इनवर्स चला गया, आई थीटा बचेगा, ठीक है। थोड़ा और देखो, यहाँ पे ई की पावर में लॉग ए सेक थीटा माइनस का आई थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉइंट टू लॉग ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लो, ए सेक थीटा की होल पावर टू प्लस का आई थीटा। अब पावर आगे कर लो, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर लॉग ए सेक थीटा माइनस का आई थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पावर आगे आएगी ना, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए सेक थीटा और प्लस का आई थीटा। अब यहाँ पर ये देखिए आप लोग, कि ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, लग रहा है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, अगर लग रहा है लगा लो। ई की पावर, ठीक है, आपको पता है ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है, चलो लगा लो, यही लगेगा। तो यहाँ पर आएगा लॉग ए सेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा, थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई है, लिखा भी है फाइंड इट्स वैल्यू, और ये क्या है, होली रियल। इसमें इमेजिनरी पार्ट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इज ए होली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं दिखना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.2 के कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, 8 करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।